ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, भगवान शिव के बारे में बहुत सी बातें चर्चा में आती रहती हैं, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी कौन हैं भगवान शिव और क्यों शिवलिंग काला होता है। जी हाँ, शिवलिंग आखिर काला ही क्यों होता है, आपके मन में सवाल तो आता होगा, और साथ ही साथ एक सवाल और आता है मन में कि आखिर शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक यानी कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है, क्यों दूध चढ़ाया जाता है। तो ये सभी टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिए। लेकिन भगवान शिव जो हैं सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं, एक बार प्रेम से कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मुझे खुशी होगी। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। भगवान शिव के बारे में सभी जानते हैं, शिव कौन हैं, शिव भक्तों के लिए ये पहेली अनसुलझी है। वीडियो में हम आपको भगवान शिव को एक इंसान के रूप में बताने जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा मानव जाति के लिए इस ब्रह्मांडीय चेतना को समझने के लिए वेदों में भगवान को निरंकार ही बताया जाता है। भगवान शिव को कई और नामों से जानते हैं हम सभी, इनको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि भोलेनाथ, महादेव, शंभु, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, ये सारे जो बहुत सारे नाम हैं भगवान शिव के। तो भगवान शिव ही एक ऐसे ईश्वर हैं जिनकी पूजा प्रतिमा और शिवलिंग के रूप में अलग अलग होती है। भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के साथ करना अनिवार्य होता है। भगवान शिव का ऐसा ही स्वरूप चित्रित या फिर नियोजित किया गया था। अब आइए शिव जी के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि शिव जी का स्वरूप कैसा है, आखिर इनका स्वरूप कैसा है। गंगा नदी सर से बह रही है, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसका शुद्ध विचार सहज निर्बाध्य ढंग से व्यक्त किया जा रहा है, जो कोई इस तरह के प्रवाह में एक डुबकी लेता है, वह दैवीय कृपा से शुद्ध हो जाता है। माथे पर आधा चांद जो मन को अनंत शांति के साथ एकाग्रचित कर देता है, यानी कि मन उनका हमेशा शांत रहता है। तीसरा नेत्र है जो कि अमोद्य अंतर्ज्ञान की शक्ति के अधिकारी और भावों के मध्य से ब्रह्मांड को अनुभव दर्शन करने की क्षमता देता है। ऐसा शिव जी का स्वरूप शास्त्रों में वर्णित देखेंगे तो मिलता है। गले में सर्प, शरीर पर राख, ध्यान में लीन, यही है भगवान शिव। जी हाँ, गले में नाग, जिसका अर्थ है एकाग्रता की शक्ति और सांप की तीव्रता के साथ ध्यान में तल्लीन रहना। शरीर राख में लिपटे किसी भी क्षण में मृत्यु के आगमन के बारे में मनुष्य किसी भूल में ना रहे, क्योंकि कभी भी किसी की कहीं भी मृत्यु हो सकती है और यही सत्य है, यानी कि मृत्यु सत्य है। शिव का त्रिशूल ब्रह्मांड सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है। यह ब्रह्मांड मौलिक रूप से तीन क्षेत्रों में भौतिक, सूक्ष्म और कारण में विभाजित है, जो अस्तित्व के आयाम हैं। डमरू त्रिशूल से बंधा यानी कि स्पंदन इस पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति में है। सब कुछ आवृत्तियों में अलग अलग से बना है। सभी तीन क्षेत्र अलग अलग आवृत्तियों के बने होते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा प्रकट एक साथ बंध करके होते हैं। देव दानवों के साथ समान रूप रखते हैं भगवान शिव। जी हाँ, शिव ऋषियों और राक्षसों के साथ समान व्यवहार करते नजर आए हैं, समान रूप में हैं, यानी निरपेक्ष चेतना या परमात्मा सभी आत्माओं का एकमात्र स्रोत हैं। इस प्रकार से हमारे कर्म हमें असुर या देवता बना देते हैं। शिव के साथ नशा, जिसका अर्थ है कुटस्थ चेतना के साथ एक आत्मा के मिलन के समय में चमत्कारिक नशा होना। कैलाश पर शिव का वास है, यानी शांत वातावरण में आध्यात्मिकता का घर है। शिव सृष्टि के लिए समान हैं, आरंभ से अंत तक शिव ही हैं। पार्वती शिव की पत्नी हैं। प्रकृति और ब्रह्मांडीय चेतना सदा एक दूसरे से विवाहित हैं, दोनों एक दूसरे से सदा अविभाज्य हैं। प्रकृति और परमात्मा का नृत्य एक साथ है, क्योंकि पूर्ण निरंतर चेतना ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत में द्वंद्व पैदा करते हैं। शिव योगी हैं, वो निराकार हैं,
सभी रूपों में रहते हैं, समाविष्ट होते हैं सब में, आत्मा जीव योग के विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता को प्राप्त करने के लिए हैं। योग ही उनका सिद्धांत है। भगवान शिव योग के भी आप देखेंगे मुद्रा में रहते हैं। तो कौन सी वो वजह है जो कि शिवलिंग काला होता है? तो ज्योतिर्लिंग ही शिव का प्रतीक है। लिंग एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ प्रतीक होता है। ब्रह्मांडीय चेतना भौहों के मध्य में गोलाकार प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। ये आत्मबोध या फिर आत्मज्ञान के रूप में कहा जाता है। समाविष्ट आत्मा प्रकृति के द्वंद्व और सापेक्षता की बाधाओं को पार करती है और मुक्ति को प्राप्त होती है। शिवलिंग पर दूध डालना, सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करना यानी भौहों के मध्य में मेरे अंधकार को दूध या प्रकाश में बदलना। शिवलिंग आत्म तौर पर देखेंगे तो काला इसलिए होता है क्योंकि साधारण मनुष्य के भ्रूमध्य में अंधकार होता है, जिसको दूध या प्रकाश में बदलना ही मानव का वेदानुमत सर्वोत्तम कर्म है। इसका गीता में भी उल्लेख है, यानी कि अंधकार हमारे आसपास है, उसको ज्ञान में परिवर्तित करना और उससे उजागर करना, उजाला करना ही हमारा धर्म और कर्तव्य है। धतूरा शिव से आध्यात्मिक नशा लेने का प्रतीक है। जी हाँ, शिवलिंग पर धतूरा भगवान से प्रार्थना यानी कि आध्यात्मिक नशा करने के लिए अनुदान शिव महेश्वर हैं, ये सिखाता है। शिव परमेश्वर यानी कि ब्रह्मा पर ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि परम चेतना अंतिम वास्तविकता है जो सभी कंपन से परे है, दूर है। कुटस्थ चैतन्य एकदम एक कदम पहले है। नंदी शिव के वाहन के रूप में यानी कि सांड धर्म का प्रतीक है। इस जानवर में लंबे समय तक के लिए बेचैनी के बिना शांति के साथ स्थिर खड़े रहने की अद्वितीय और महत्वपूर्ण विशेषता होती है। सांड को देखिएगा तो वो बहुत लंबे समय तक शांति से खड़ा रह सकता है। बाघ की छाल का आसन प्रमाणिक प्रवाह का भूमि में निर्वहन रोकना है। शिवलिंग की नंदी की सिंगों के मध्य से दर्शन की प्रथा, नंदी की सिंगे भौहों की प्रतीक हैं, जिनके मध्य ज्योति जागृत करने का लक्ष्य साधना होता है। यही शिव का संपूर्ण स्वरूप है, यही शिव हैं, ऐसा ही वर्णन शास्त्रों में शिव की महिमा का किया गया है, मिलेगा आप जब अध्ययन करेंगे। तो भगवान शिव के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें और अगला टॉपिक जरूर सजेस्ट करें कि आप कौन सा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।